हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप इंग्लिश क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और ये क्वेश्चन आरआरबी के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए और पीजीडीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो क्लास हिंदी में रहेगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस ग्रेट ऑफर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि किसी भी बैंकिंग एग्जाम में आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से या करंट अफेयर्स की वजह से रुक रहा है तो ये ई कोर्स आपके लिए है, और इस ई कोर्स को आप आरआरबी के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए, पीजीडीएफ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक पीओ और क्लर्क, इसमें दोनों ही कोर्स का सिलेबस आपका कवर होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा फ़ीस के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें मैं एक ऑफ़र चला रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल ऑफ़र। और वैसे इस कोर्स की फ़ीस 4,950 है, लेकिन 15 जुलाई से पहले इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो केवल और केवल 1,450 रुपये में इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन ई कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे कॉल एंड व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, वोकैबुलरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्जाम्स में। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है एपोक्राइफल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इस वर्ड का क्या मीनिंग है? एपोक्राइफल हम किसको बोलेंगे? कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है, ठीक है, जिसकी ऑथेंटिसिटी क्वेश्चनेबल है या डिबेटेबल है, उसको हम बोलते हैं एपोक्राइफल। Anything that is doubtful or anything that is debatable is called apocryphal. तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा debatable. यदि synonym पूछें तो इसका synonym जो होगा वो debatable होगा, जिस पर debate की जा सकती है, जो questionable है। और यदि इसका antonym पूछा जाए तो authentic या genuine इसका antonym होगा। Promiscuous हम बोलते हैं immoral व्यक्ति को, जिसको हम wanton भी बोलते हैं, promiscuous। फ्लैगमेटिक जो इंडिफरेंट है, जो नॉनशेलेंट है, उसको हम बोलते हैं फ्लैगमेटिक। कंजीनियल जो फ्रेंडली है, और पैरोकियल का अर्थ होता है नैरो माइंडेड। तो यहाँ पर एपोक्राइफल का सही मीनिंग होगा डिबेटेबल। डिबेटेबल इज द राइट सिनोनिम फॉर एपोक्राइफल। चलिए आगे देखते हैं स्लोवेनली, ये वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोवेनली एक्चुअली अपियरेंस के सेंस में, किसी भी व्यक्ति का जो अपियरेंस होता है उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का अपियरेंस और उसका गेटअप सही नहीं है, वो थोड़ा सा मैसी है और अनटाइडी है, तो उसको हम बोलेंगे स्लोवेनली। और यदि सिनोनिम इसका पूछा जाए तो अनटाइडी इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। इम्पर्टिनेंट, जो बहुत ही ढीठ व्यक्ति है, जो डिसरिस्पेक्टफुल है, जो चीकी है, उसको हम बोलते हैं इम्पर्टिनेंट। टेंटेटिव का अर्थ है प्रोविजनल, जो फाइनल नहीं है। टेंटेटिव का जो एंटोनिम होगा वो होगा फाइनल। जो प्रोविजनल है, जो फॉर द टाइम बीइंग है, दैट इज कॉल्ड टेंटेटिव। गाइल का अर्थ होता है कनिंग, और फैचुअस का अर्थ होता है स्टूपिड, ठीक है। तो ये सारे मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। स्लोवेनली का जो सही सिनोनिम होगा वो होगा अनटाइडी, या मैसी भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग डिजल्टरी का बताना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिजल्ट्री का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ का जो रिस्पांस देते हैं तो वो लीक वॉर्म होता है, या उसमें हाफ हार्टेडली जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, पूरे मन से किसी काम को आप नहीं करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डिजल्ट्री, ठीक है। तो लीक वॉर्म इसका सिनोनिम होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इसका अपोजिट। तो अपोजिट जो होगा इसका, वो होगा आपका इसका इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे अपोजिट इसका पूछा जा रहा है। गलीबल, जिसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसको हम बोलते हैं गलीबल। सक्सिंक्ट का अर्थ होता है जो कंसाइज है, जो ब्रीफ है, जो टू द पॉइंट है, दैट इज़ कॉल्ड सक्सिंक्ट। और लीक वॉर्म, ठीक है, लीक वॉर्म एक्चुअली इसका सिनोनिम होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसलिए एंथुजियास्टिक यानी उत्साही आपका यहाँ पर इसका सही अपोजिट वर्ड होगा। फोर्थ वर्ड हम देखते हैं बैनिश। बैनिश का क्या अर्थ है? बैनिश का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को देश निकाला देना, अपने देश से बाहर कर देना उसको, जिसको हम बोलेंगे इविक्ट करना, एग्जाइल करना या डिपोर्ट करना, ठीक है। तो इविक्ट, एग्जाइल और डिपोर्ट, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। अस्टवाइल का अर्थ होता है भूतपूर्व, पहले का अस्टवाइल। तो परमिट
यहां पर इसका सही एंटोनिम होगा, परमिट का अर्थ होता है देश के अंदर किसी व्यक्ति को अलाउ करना, और देश से निकाल देना उसको हम बोलते हैं बैनिश। तो इसलिए यहां पर परमिट जो है ये इसका सही एंटोनिम वर्ड होगा। अब हम यहां पर कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस देखते हैं, और एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, यहां से मैं पढ़ के पूरा बताता हूं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विच इज देन डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स आउट ऑफ विच लास्ट पार्ट इज करेक्ट। देयर आर एरर्स इन थ्री आउट ऑफ फोर रिमेनिंग पार्ट्स एंड देयर फोर ओनली वन पार्ट अदर देन द बोल्ड पार्ट इज करेक्ट। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर जो पांच पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से चौथा पार्ट जो जिसमें से ई पार्ट जो है फाइनल पार्ट वो ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक है, और चार पार्ट में से केवल एक पार्ट करेक्ट है, उस करेक्ट पार्ट को आपको देखना है। मतलब इन चार में से तीन पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, और करेक्ट पार्ट को आपको देखना है। ई पार्ट को आपको नहीं देखना है क्योंकि वो पहले से ही करेक्ट है, आपको केवल चार पार्ट में से जो करेक्ट पार्ट है उसको आपको देखना है। वी हैव रिसेंटली, देखिए यहाँ पर रिसेंटली जो वर्ड का प्रयोग हम करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हैड के स्थान पर यहाँ पर हैव आएगा, वी हैव रिसेंटली ऐसे बनेगा ये, तो ये पार्ट आपका गलत हो गया। और हैव के साथ हम क्या फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बिगन आएगा यहाँ पर, तो ये पार्ट गलत हो गया, ये पार्ट भी गलत हो गया। वी हैव रिसेंटली बिगन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस, ये बात सही है, रिक्रूटिंग एजेंट्स फॉर, हम रिक्रूटिंग एजेंट एजेंट हम रिक्रूट करना चाहते हैं किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच के लिए, तो एजेंट के आगे यहाँ पर लगेगा फॉर, ठीक है, तो ये पार्ट भी गलत हो गया और ये पार्ट ऑलरेडी सही है। इन चारों में से केवल सी पार्ट जो है ये सही है आपका, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सी, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। किसी बैंकिंग एग्जाम में जब आप जाते हैं तो जब आप उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, यदि आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका क्वेश्चन एक्यूरेट है तभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर लगाना है। टाइप टू के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया है, एक फ्रेज दिया है और इसका मीनिंग आपको बताना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द लोकल अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन इलीगल पार्किंग इन हैंडीकैप्ड पार्किंग प्लेसेस। जो पार्किंग प्लेसेस ख़राब हो चुके हैं, हैंडीकैप्ड हैं, फंक्शनल नहीं हैं, वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन इलीगल पार्किंग। इलीगल पार्किंग जो है उसके संबंध में जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वहाँ पर जो है उस इलीगल जो पार्किंग है उसको रोकेंगी, वहाँ पर उसको प्रिवेंट करेंगी ताकि ऐसा ना हो। तो क्लैंप डाउन ऑन का अर्थ होता है किसी इलीगल एक्टिविटी को प्रिवेंट करना। अब इसका सिमिलर जो वर्ड है वो है स्टाइफल, क्योंकि स्टाइफल का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करके पूरी तरीके से उस पर रोक लगा देना और उसको ख़त्म कर देना, स्टाइफल उसको हम बोलते हैं, ठीक है। लिबरेट यानी फ्री छोड़ देना, ठीक है, कन्फर्म मतलब ओबे करना, तो स्टाइफल जो होगा ये यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको फ्रेज को रिप्लेस करना है, आर इन कॉन्सोनेंस विथ ईच अदर जो फ्रेज दिया है इसको आपको रिप्लेस करना है। तो इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, इट्स ए प्रोसेस where continuity and change are in consonance with each other, where the introduction of a new segment doesn't subsume the importance of the existing segment. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि इन ए प्रोसेस वेयर कंटिन्यूटी एंड चेंज आर इन कॉन्सोनेंस विथ ईच अदर, मतलब एक ऐसे प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यूटी और चेंज ये एक दूसरे के साथ में चलते हैं, दे आर इन कॉन्सोनेंस विथ ईच अदर, मतलब वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में चलती हैं। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस एक अलग एंटिटी है, चेंज एक अलग एंटिटी है, इसलिए आर यहाँ पर सही है। और इन कॉन्सोनेंस विथ ईच अदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो एंटिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वन अनदर इस पर लगाना गलत होगा, ईच अदर इसमें सही है, और कॉन्सोनेंस के बाद हम विद ही लगाते हैं, इन भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो कुल मिला के इस सेंटेंस में आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि जो ऑलरेडी ऑप्शन है वो ऑलरेडी वहां पर सही है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें ये फिलर्स के कुछ क्वेश्चन हैं और पहला फिलर इसमें आएगा और दूसरा फिलर इसमें आएगा, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। विद बिल्डिंग एंड डैमेज आर्ट फैक्ट्स, पुणेज आगा खान पैलेस इज अनदर शेमफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी हेरिटेज। देखिए, बिल्डिंग एंड डैमेज आर्ट फैक्ट, डैमेज आर्ट फैक्ट मतलब वो जो बिल्डिंग है वो डैमेज है, और तो यहाँ पर चूंकि डैमेज कैसा वर्ड है, डैमेज एक नेगेटिव वर्ड है, और ये नेगेटिव जो वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा है, आर्ट फैक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए भी यहाँ पर उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए जो कि डैमेज के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। डैमेज एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर इस बिल्डिंग को दिखाने के लिए भी आपको एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, और नेगेटिव वर्ड इसमें जो है वो है अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड का अर्थ होता है बहुत ही शेबी सिचुएशन में है, बहुत ही मतलब उसको मैनेज नहीं किया गया है, अनऑर्गेनाइज तरीके से वो वहाँ पर है और डैमेज है। तो अनकैम्प्ड मतलब उसको उसको मैनेज नहीं किया गया है, तो अनकैम्प्ड जो वर्ड है ये यहाँ पर सही आएगा क्योंकि ये डैमेज का इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड सही है तो इसलिए हैंडल जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग हम समझते हैं। विद अनकैम्प्ड बिल्डिंग एंड डैमेज आर्ट फैक्ट, पुणेज आगा खान पैलेस इज अनदर शेमफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी हैंडल हेरिटेज। हम अपने हेरिटेज को, हम अपनी विरासत को किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये पूना का जो आगा खान पैलेस है ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, डैमेज आर्ट फैक्ट है और अनकैम्प्ड बिल्डिंग है, तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, यहाँ पर आपको फिलर को इसको फिल करना है, और यहाँ पर एक्चुअली कौन से दो वर्ड, एक्चुअली इसमें मैंने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक वर्ड आएगा, मतलब इन चारों में से कौन से दो वर्ड यहाँ पर फिट हो सकते हैं, और इन दो वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका सही आंसर होगा। द मेन ऑफ एन ई बुक इज यू कैन कैरी एंड रीड मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम विदाउट लगिंग अराउंड हैवी बुक्स। मतलब यहाँ पर मेरे हिसाब से आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि ई बुक का बेनिफिट क्या है, कि भारी बुकों को, भारी बुक्स को आपको लादना नहीं है, उनको खींचना नहीं है, ले जाना नहीं है, बल्कि आप ई बुक की मदद से उसको आराम से, ई बुक आराम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, आराम से उसको पढ़ सकते हैं, और एक ई बुक को कितनी भी बार आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूंकि बेनिफिट की बात कर रहे हैं इसलिए बेनिफिट तो इसमें आएगा ही, और बेनिफिट का जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है एडवांटेज, तो इसलिए सी और डी इसमें आपका सही आंसर आपका होगा। ये क्वेश्चन सरल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एन एम्प्लॉय ऑफ द कालीकट मेडिकल कॉलेज, इसमें क्या करना है, इसमें आपको इनकरेक्ट जो पाथ है उसको फिगर आउट करना है, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। An employee of the Calicut Medical College admitted in a private hospital here was most prone to virus infection as she had been exposed to treatment of those infected by Nipah virus. यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं इस सेंटेंस में, यहाँ से हम देखते हैं an employee of the Calicut Medical College admitted, यहाँ तक ये सही है, in a private hospital here was, यहाँ तक सही है was तक, मोस्ट प्रोन टू वायरस, मोस्ट हम क्यों बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पर तो हम ये बता रहे हैं कि एज शी हैड बीन एक्सपोज टू ट्रीटमेंट ऑफ दोज इन्फेक्टेड बाय नीपा वायरस, मतलब नीपा वायरस से जो इन्फेक्टेड था, जो ट्रीटमेंट उसकी वजह से वो ज़्यादा वायरस इन्फेक्टेड हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक्चुअली मोस्ट कहने का कोई मतलब नहीं है, इसमें मोर आप कह सकते हैं, शी वॉज मोर प्रोन टू वायरस इन्फेक्शन, मतलब वो वायरस इन्फेक्शन से पीड़ित होने के लिए ज़्यादा प्रोन थी, मतलब ज़्यादा अफेक्ट हो सकती थी क्योंकि उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया वो नीपा वायरस से अफेक्टेड था। तो इसलिए यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट ना आते हुए यहाँ पर, अगर मोस्ट इसमें आता भी तो इसके पहले फिर दा होना चाहिए था, तो इसलिए मोस्ट को हम हटा सकते हैं यहाँ से, और बी इसमें आपका सही आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट ऑन थर्सडे फॉर्म्ड द न्यू जोनल सिस्टम
विच वुड हैव सेवन जोन्स एंड टू मल्टी जोन्स, टू फैसिलिटेटेड नहीं होगा इसमें, यही बात इसमें गलत है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें और डी पार्ट जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा, तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑल द अटैक्स वर फ्यूल्ड ऑफ मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया क्लेमिंग दैट गैंग्स ऑफ चाइल्ड स्नेचर्स वर रोमिंग द स्ट्रीट ऑफ बेंगलुरु। ऑल द अटैक्स, जो अटैक्स थे दे वर फ्यूल्ड, मतलब अटैक्स जो थे उनको एक्साइट किया गया, उनमें आग लगाई गई, उनको उनको इंसाइट किया गया। लेकिन इंसाइट किस चीज़ के द्वारा किया गया, उनको उत्तेजित किस चीज़ के द्वारा किया गया, वो उनको उनको जो भड़काया गया वो किस चीज़ के द्वारा भड़काया गया। ऑल द अटैक्स वर फ्यूल्ड बाय द मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया, तो यहाँ पर ऑफ के स्थान पर इसमें बाय होना चाहिए और बी वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। वी हैव फाइल्ड अ केस ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अनलॉफुल असेंबली एंड राइटिंग एफर्ट्स आर ऑन टू ट्रैक डाउन द अटैकर्स। वी हैव फाइल्ड अ केस ऑफ व्हाट, वी हैव फाइल्ड अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, जो केस होता है उस केस का नाम होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी व्यक्ति को मारने का प्रयास करना। अटेम्प्टिंग टू मर्डर नहीं होता है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, इसलिए बी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये बैंकिंग एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो क्लास में लिए हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा इस चैनल पर, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो क्लासेस अच्छे लगते हैं और आपको इससे बेनिफिट होता है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो क्लास को लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित सफलता आप लेना चाहते हैं IBPS PO में, क्लर्क में, RRB में और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स में, तो आप हमारा ई कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उन लिंक पर क्लिक करके उनको आप वहाँ से पे करके आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।